नमस्कार, आज हम बात करेंगे एडोब प्रीमियर प्रो में किसी भी वीडियो को कट कैसे करेंगे। एडोब प्रीमियर प्रो में दो तरह से किसी भी वीडियो को कट कर सकते हैं, एक रेजर टूल का इस्तेमाल करके और दूसरा सोर्स विंडो से मार्क इन और मार्क आउट टूल का इस्तेमाल करके। सबसे पहले हम रेजर टूल से कैसे वीडियो को कट करेंगे यह देखेंगे। यहाँ पे एक वीडियो फाइल है, इसे देखते हैं। यहाँ पे दो ट्रक दिखाई दे रहे हैं। अब इस वीडियो में से मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की क्लिप को मैं कट करना चाहता हूँ। इसके लिए हम रेजर टूल का इस्तेमाल करेंगे। रेजर टूल पे क्लिक करेंगे और इस लाइन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, वीडियो क्लिप दो हिस्सों में बट जाएगी। इसके बाद सिलेक्शन टूल का यूज़ करेंगे और पहले वाले पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे। और रिपल डिलीट। अब हम आगे देखते हैं। इसको मैं थोड़ा स्पीड में आगे ले जाता हूं। हाँ, इस पोर्शन को हमें रिमूव करना है, तो फिर से हम अगले पॉइंट पे आएंगे और रेजर टूल का इस्तेमाल करेंगे और क्लिक। अब दूसरा कट करने के लिए पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, आगे जाएंगे और जहाँ से हमें कट करना है उस फ्रेम पे आएंगे और क्लिक। अब फिर से सिलेक्शन टूल का यूज़ करेंगे और उस पोर्शन को हम सिलेक्ट करेंगे और रिपल डिलीट। अब ये इस तरह से दिखाई देगा। अब हम सोर्स विंडो से वीडियो क्लिप को कैसे कट करेंगे यह देखेंगे। यहाँ पे मार्क इन और मार्क आउट टूल्स का यूज़ करके वीडियो से कोई पोर्शन सोर्स विंडो से टाइमलाइन पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि इस वीडियो का शुरुआती पोर्शन हमें नहीं चाहिए, तो जिस फ्रेम से हमें एंट्री करनी है उस फ्रेम को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से और मैं मार्क इन ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, यानी कि हमारी क्लिप यहाँ से शुरू होगी और अब मैं यहाँ से लेके जिस फ्रेम तक का वीडियो मुझे चाहिए उस फ्रेम तक मैं जाऊँगा। और हाँ, यहाँ तक। अब मैं मार्क आउट ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। मार्क इन और मार्क आउट के बीच की वीडियो क्लिप को लेफ्ट क्लिक से पकड़कर टाइमलाइन पे मैं ड्रॉप करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहां से हम एंट्री करेंगे, यानी कि मार्क इन, और यहां से पूरी वीडियो क्लिप को हम टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब ये इस तरह से दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।